Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject maths of standard 7th. In that question number 6, dear student, यहाँ पे ये आंसर है वो question number 7th का है. Okay, 6th, see on the textbook. Okay, angle हमें दिया है PQR. Okay, that means Q है 25 and R है 65. तो angle P कितना होगा? 90 डिग्री का. ओके, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल राइट एंगल के सामने के साइड है वो उसकी हाइपोटेनियस हो जाएगा. तो क्या होगा उसका फॉर्मूला? क्यू आर स्क्वेयर. ओके, तो वो हमें कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन बी में. क्यू आर स्क्वेयर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस आर पी स्क्वेयर. तो हमें ये बताना है 1, 2, 3 में से कौन सा है. तो बहुत ईजी है, ऑप्शन बी आएगा. नाउ क्वेश्चन 7th. Find the perimeter of the rectangle whose length is 40 cm and diagonals is 41 cm. तो यहाँ पर मैंने rectangle बनाया है, उसकी length 40 cm है और rectangle में opposite side same होती है. तो CD 40 है तो AB भी 40 होगी. Now diagonals, that means हम B और D को join करेंगे वो diagonals. आप A, C को भी diagonals consider कर सकते हो. Okay, तो यहाँ पर in triangle BCD, ओके, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल एंगल सी पे राइट एंगल बन रहा है, आप देख पा रहे हो. तो फॉर्मूला हो जाएगा बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर. तो बी डी हमारे पास है, यस है, 41 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, नहीं है. सी डी स्क्वायर, यस 40 है सी डी का मेजरमेंट, तो 41 का स्क्वायर हो जाएगा 1681. ओके, एंड बी सी स्क्वायर हमारे पास नहीं है, एज इट इज रखेंगे, प्लस 40 का स्क्वायर 1600. सो 1681 माइनस 1600 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर. तो हमें बी सी मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर. ओके, नाउ बी सी इक्वल्स टू ए डी होगा क्योंकि ऑपोजिट साइड आर सेम एंड रेक्टेंगल रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड सेम होती है, तो ए डी भी 9 हो जाएगा. नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स सब साइड का एडिशन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी. ओके, तो हो जाएगा 98 सेंटीमीटर. और आप अकॉर्डिंग टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके, टू ब्रैकेट में एल प्लस बी, वो फॉर्मूले से करोगे तो भी आंसर सेम ही मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मेजर 16 and 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर. ओके, तो यहाँ पे मैंने रोम्बस का फिगर ड्रॉ किया है, नेम दे दिया ए बी सी डी, उसका डायगोनल 16 and 30 है. तो डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल्स जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे वो हाफ हो जाते हैं. दो मैंने किए तो 16 है, तो उसका इंटीरियर पार्ट जहाँ पे मीट हो रही है वहाँ पे मैंने ओ नेम दिया है. तो ए ओ हो जाएगा 8 एंड ओ से सी हो जाएगा 8, वो हाफ हो जाएंगे. दूसरा 30 है तो वो 15 हाफ हो जाएंगे. ओके, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट सेंटर, सेंटर पे वो बाइसेक्ट करते हैं. ओके, उसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं. नाउ इन ट्राइंगल ए ओ डी, ओके, ए ओ डी ट्राइंगल में पाइथागोरस रूल हम अप्लाई करेंगे, तो हमें राइट एंगल यहाँ पे याद रखना. डियर स्टूडेंट, रोम्बस के इंटीरियर पार्ट में जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं दो डायगोनल्स, तो वो पोर्सन राइट एंगल होता है ऑलवेज. ओके, तो यहाँ पे एंगल ओ पे राइट एंगल बन रहा है, तो फॉर्मूला होगा ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर. ओके, सो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास है ए ओ 8 एंड ओ डी 15, सो स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 225, सो एडिशन ऑफ दैट 289 एंड 289 है वो 17 का स्क्वायर है, सो ए डी इक्वल्स टू 17. तो बाकी की तीन साइड है बी सी सी डी एंड ए बी, वो भी 17 हो जाएगी क्योंकि रोम्बस की साइड है वो इक्वल होगी. नाउ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दैट इज 4 मल्टीप्लाई साइड कितना है 17, सो 17 4 = 68. तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस हो जाएगा 68 सेंटीमीटर. नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फर्स्ट वन, देर आर डेस एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल के कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल 6, उसकी 3 साइड एंड 3 एंगल. देर आर डेस एंगल्स इन अ ट्राइंगल. ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3. एंड देर आर डेस साइड्स ऑफ ट्राइंगल, उसकी साइड्स भी 3 होगी. नेक्स्ट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड द डेस ऑफ द ट्राइंगल.
उसको क्या कहेंगे हम, उसका मीडियन. फिफ्थ, अ ट्राइंगल इज सेड टू बी डैश इफ ईच वन इज ऑफ इट्स साइड हैज द सेम लेंथ. अगर ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल. नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन, अ ट्राइंगल हैज अ डैश अल्टीट्यूड. ट्राइंगल के अल्टीट्यूड 3 हो पाएंगे मैक्सिमम. द टोटल मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज 180 डिग्री. हमने ड्यूरिंग द चैप्टर सीखा हुआ है ये सब. इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल हैज मेजर 60 डिग्री. 63 is 180. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल भी सेम होंगे. सो 180 divided 3 दैट इज 60. फोर्थ, अ ट्राइंगल इज सेड टू बी डैश इफ एटलीस्ट एनी टू ऑफ इट्स साइड्स आर सेम लेंथ. तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, आइसोसेलर ट्राइंगल, जिसकी दो साइड सेम है, जिसकी तीनों साइड सेम है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल. फिफ्थ वन, इफ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स द ट्राइंगल मस्ट बी डैश. अगर हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो ट्राइंगल कैसा होगा, मस्ट बी राइट एंगल ट्राइंगल. ट्रू फॉल्स. फर्स्ट वन, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. यह स्टेटमेंट ट्रू है. हमने ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में देखा था ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का एडिशन ऑलवेज थर्ड साइड से ज्यादा होगा. एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. यह स्टेटमेंट भी ट्रू है कि एक्सटीरियर एंगल है वो ऑलवेज इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से के सम से इक्वल होगा. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट, देर आर 4 साइड्स ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल की 4 साइड होती है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. देर आर 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल. दिस वन इज ट्रू. इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल हैज मेजर 50 डिग्री. इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल 50 डिग्री के होते हैं. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ईच एंगल 60 डिग्री के होंगे. ओके, सो डियर स्टूडेंट, हियर वी कंप्लीट द चैप्टर नंबर 6. ओके, एंड From next session, we will start the new chapter. Thank you.